विक्टिम कौन? जिसका बाप नहीं है। मिस्कीन कौन? मिस्कीन वो है जिसके पास कमाई का जरिया है, कमाता है, लेकिन इतना नहीं कमा पाता कि जितना उसको जरूरत हो। उसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला सकता, कपड़े नहीं पहना सकता, उनके पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकता। कमाता जैसा कि रिक्शा चलाने वाला है, बेचारे उसकी क्या कमाई होती है। मिस्त्री है, और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अड्डे पे काम करते हैं, कभी एक दिन मिलती है मजदूरी तो कभी नहीं मिलती, कभी घर को वापस आ जाते हैं, बेचारे क्या करे। वो आज दिन में काम करता है, शाम में तो उसकी बीवी बच्चे खाते हैं, वरना नहीं खा पाते, भूखे सो जाते हैं। कई लोग हैं आज मिस्कीन। एक आदमी है, काम करता था, इलेक्ट्रिशियन था, प्लम्बर था, मेस्त्री था, कुछ भी था, ऑटो ड्राइवर था, लेकिन अचानक उसका हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर टूट गया, अब उसकी कमाई का जरिया बंद हो गया, वो मिस्कीन हो गया, समझ रहे। एक आदमी कारोबार करता था, कारोबार उसका नुकसान आ गया, अब वो मिस्कीन हो गया, वो मांग नहीं सकता। दूसरा है फकीर। फकीर का मतलब जिसके पास कमाई का जरिया नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है, ना कोई हुनर है, कुछ भी नहीं है, ये फकीर है जो मांगता है। मिस्कीन मांगता नहीं, बेचारा काम करता था लेकिन मजबूर हो गया, गिर गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक क्या है वो उसके हाथ पैर गिर गए, अब वो क्या करे, तो उसको बोलते हैं मिस्कीन। तो अल्लाह ताला क्या बोले यहां पर, पहले यतीम का जिक्र करे, उसके बाद मिस्कीन का जिक्र करके अल्लाह ताला क्या बोल रहे, वाला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता, ये भी रस्मी दीनदार है। सिर्फ नमाज, रोजे, दाढ़ी, टोपियां, ये दीनदारी की अलामत नहीं होती, ये सच्चे दीनदार की अलामत नहीं होती है। नहीं भाई, मैं तो उमरे पे उमरा कर ले रहा हूं, हज पे हज कर ले रहा हूं, रमजान में इफ्तार पार्टियां दे रहा हूं, बड़ी बड़ी लाखों की फंक्शन हॉल में, मस्जिदों में ऐलान करके के पूरे मस्जिद के मुसल्लियों के लिए वहां पर क्या है, दावत है, इफ्तार पार्टी है, कितने खर्च, चार चार किस्म के पकवान, मीठे, सब कुछ है, खर्चा कर दिया, लाख रुपए गए तो गए, भाई क्या करना, सवाब मिलता भाई, उससे बेहतर है जाओ, तुम्हारे एरिया में कितने गरीब है जो बेचारे खाने को तरस रहे, खाने को नहीं है, उनकी हालतें देखो। मैं कल जाके देख के आया था, आप भी जाके देखो कभी उनकी हालतें, बेचारे खाना नहीं मिलने की वजह से हड्डी चमड़ा नजर आती है, उनके जिस्म पे गोश्त भी नहीं नजर आता, गरीब है, फकीर है, मांगते हैं बेचारे जाके, यतीम है, मेहनत करते हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं भर सकते, इतनी उनकी गुंजाइश नहीं है। आप यहाँ लाखों रुपए फंक्शनों में, शादियों में, इफ्तार पार्टियों के नाम पे, बर्थडे पार्टियों के नाम पे कहाँ कहाँ फजूल खर्चियाँ उड़ा रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता वो दीन इस्लाम को झुटला रहा है, वह रस्मी दीनदार है, वह क़यामत के दिन को झुटला रहा है, वह हकीकी दीनदार नहीं होता। यहां पर अल्लाह ताला मिस्कीनों को देना ही नहीं बल्कि मिस्कीनों को देने की तरगीब नहीं देने वाले को बोल रहे हैं, यहां पर तरगीब देना याद रखो। यहां पर वला यहुद्दु का जो लफ्ज आया, हज्जा हव्वा का मतलब होता है उकसाना, तरगीब देना, मोटिवेट करना, कुछ इंतजाम करना कमाई का। वो हाथ टूट गया होगा, उसको कोई बीमारी आ गई होंगी, अब वो उसको कितने दिन खिलाएंगे, जिंदगी भर तो नहीं खिला सकते, तो उसके लिए कुछ इंतजाम करो, ऐसा कोई कारोबार का इंतजाम करो उसके लिए। माशरे के जितने भी ज़कात दे रहे हैं, हजार हजार रुपए बांट रहे हैं, पांच पांच सौ रुपए बांट रहे हैं, उससे बेहतर है माशरे के कुछ लोग मिलकर अपने चार पांच रिश्तेदारों का अगर एक जगह ज़कात जमा करे, पचास हजार रुपए या एक लाख रुपए, कुछ तो भी इंतजाम करके उसको बैठे जगह कोई कमाई का जरिया इंतजाम करो। वो भीख मांग मांग के, वो खुद, उसकी बीवी खुद, वो हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, बंडी पे रिक्शे पे उसकी बीवी धूप में, छोटे छोटे बच्चे गर्मी में उसको ढकेलते हुए लेके जा रहे, मांग मांग के खा रहे, उससे बेहतर है बैठे जगह उसके लिए कोई कारोबार का इंतजाम कर देते, कोई एक छोटा किराना शॉप लगा के दे देते, कोई एक फ्रूट की बंडी लगा के दे देते, तो बैठे जगह वो एक पाँच दस हज़ार में उसके लिए कोई इंतजाम हो जाता ना। ये नहीं करते हमारे पास, ये सोच नहीं होती हमारे पास। देते पार्टियां, बड़ी बड़ी दावतें देते रमजान में, पूरे मोहल्ले को दावतें हैं, कहते कुरान पढ़ा के दावतें हैं, कहते दुआएं करा के दावतें हैं, कहते पता नहीं क्या क्या दावतें भाई। वो दावत में एक गरीब भीख मांगने की उसको नौबत नहीं आती, एक मिस्कीन को भीख मांग लेने की नौबत नहीं आती, ऐसा इंतजाम कर सकते अगर सोच अच्छी हो तो।
तो याद रखो यहां पर क्या करना है। आज भी देखिए, आज भी गरीब लोग, गरीब भी इतनी ख़तरनाक चीज़ है, गरीबी इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि लोग अपने सगे बच्चों को बेच दे रहे पेट भरने के लिए। सुनते हैं ना कई वाक़यात, बेचारे गरीब हैं, क्या करें, खुद नहीं पाल सकते अपने बच्चों को, बच्चे तो है लेकिन पाल नहीं सकते। दूसरी तरफ अमीर है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन औलाद नहीं है, तो वो अपने बच्चों को बेच दे रहे, क्या करें, इसको मैं खिला नहीं सकता, इसको भी भूखा मार दूं, इससे बेहतर है इसको बेच दूं तो जो पैसे आएंगे उसको लेके मैं, मेरी बीवी या दूसरे बच्चे तो सुकून से थोड़े दिन खा सकते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बेच के चले जा रहे, अपनी इज्जतों को बेच ले रही औरतें, भूख नहीं खा सकती, शौहर मर गया क्या करें, छोटे बच्चे हैं क्या करें, भूख इतनी खतरनाक चीज़ है कि अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते। तो ऐसी हालत है आज। तो याद रखो ये मिस्कीनों को खाना खिलाना, वरना आज ये भिखारियाँ, हाँ ये जो भी क्या है बच्चों को बेच लेना, फिर इसी तरह हम देखते हैं ना रास्ते में कितने लोग हैं कचरे के डब्बों में जाके ढूंढते रहते बेचारे, शादी खानों में जाके इंतज़ार करते, रात के 12 बजे 1 बजे तक इंतज़ार करते, अगर वो निकाल के बचा हुआ जो फेंक देते उस फेंके हुई चीज़ों में से ढूंढ के खाते, कितने बच्चे, तरस भी नहीं आता आज मुसलमानों को, करोड़ों का माल है, कम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान पूरे के पूरे गरीब है, ऐसा है भी नहीं, करोड़ों का माल है मुसलमानों के पास, कुछ कम नहीं है, अमीर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल दिल तंग है, दिल दिल में गरीबी फ़कीरी दिल में है। याद रखो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आज अगर हम लोग स्लम एरियाज में जाके देखते तो हालत इतनी बुरी है कि बच्चों को नौकर बना के रख दिया। आज क्या हुआ, बाप मर गया, औरत है बेचारी, क्या करे, तीन तीन चार चार बच्चे। आपके अपने शहर में देखिए जितने घरों में लोग काम करने के लिए आते हैं ना, कभी उनकी हालत पूछ के देखिए वो क्यों काम कर रहे हैं। आपकी उम्र की लड़कियां जिनको कॉलेज करना था, इस उम्र में 10th क्लास पढ़ना था, जिनको पढ़ाई करना था, दिल में ख्वाहिशात भी है, अरमान भी है, मैं भी पढ़ूं, लेकिन उस उम्र में बेचारी 7 साल 8 साल की बच्चियां जाके लोगों के घरों में बर्तन साफ करके आती है, लोगों के घरों में बच्चों को उठा लेने का काम करती हैं, लोगों के घरों में जाके उनके कपड़े धो के आती है। मुसलमान इतना पत्थर दिल हो गया, रहम भी नहीं आता बेचारों को देख करके, वो छोटी बच्ची जिसको, उसकी उम्र की छोटी बच्चियां तुम्हारे भी घर में हैं, तुम्हारे बच्चियों को, तुम्हारे छोटे बच्चों को खिलाने का वो काम कर रही, वही उम्र की बच्ची को तुम तो स्कूल भेज रहे, तुम कॉलेज भेज रहे चंद पैसों के लिए, वो माँ बेचारी क्या करे, शौहर नहीं है, वो अपने बच्चों को काम पर लगा दी, आप उसको महीने को 1000-2000 दे दे के अपने घर में नौकरानी बना के रखे। इससे बेहतर होता कि वही पैसे महीने को 1500 हम देंगे, भाई आप अपनी बच्ची को पढ़ाओ, कितना अजर मिलता है इसका आपको, कितना सवाब मिलता, और वो बच्ची खुद कितनी, उसके अरमान उसके ख्वाहिशात पूरे कुचल के बेचारी रो रो के जिंदगियां गुजारती है। हमारी सोच गंदी है, हम समझे नहीं हमारे पास माल है, हम उम्रे पे उम्रा करेंगे, कोई फायदा नहीं, ऐसे उम्रों का कोई फायदा नहीं जो दिखावे के लिए, तो तुम माल उम्रों पे लगाते हो, हज पे हज करते हुए आते हो, तुम्हारे घरों में यतीम बच्चों का हक अदा नहीं करते, मिस्किनों का हक अदा नहीं करते, उन पे जुल्म करते, उनको नौकरानी बना के रख लिए। तो याद रखो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। आज आज भी ऐसे एरिया से, ऐसे स्लम एरिया से जहाँ पर लोग क्या है, पेट खाली है, रात को पानी पी के सो जाते हैं बेचारे, घास खा के जिंदगियां गुजार रहे। आज एक 8 दिन पहले ही एक वीडियो देखा था हमारे अपने ही मुल्क का, बेचारी छोटी बच्ची रोती है, बोलती है कि 2 दिन हुआ हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 2 दिन से भूखे हैं हम सब। आज भी ये रमज़ान के महीने में भी, आज हमारे अपने इलाकों में भी कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम भूखे सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का ख्याल करना ये हकीकी मुसलमानों की जिम्मेदारी है।